हेलो गाइस, मैं बैठी हूँ बाहर। धूप नहीं निकली है तो आग जलाया है। खाना खा के बैठे थे तो ठंड लग रही थी तो मैंने यहाँ पे आग जलाई है और राज खेल रहे हैं बाहर। और ये देखिए आग जल रही है, पत्ते ही हैं, केवल पत्ते ही जला रहे हैं। उस मक्के की भी लाश जला, नहीं हमने उठ के जा रहे हैं मक्खी की लाश। गाड़ी में उसकी लाश, अरे पत्थर से, पत्थर से गाड़ दी और क्या। अरे एक पॉइंट से वो उड़ नहीं पाई, कोई कोई घूम की वजह से पत्ते के अंदर डाल दिया और पत्थर डाल दिया मैंने। अरे गाइस, मैंने आपको बताया था कि मैं एक मक्खी के लाश में दिखाऊंगा, तो मैं अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये है इस मक्खी की यार, देखिए इसका वो है। ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना पत्थर जैसा, हाँ दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। ये जो मैं पाते आपको दिखा रहा हूँ, यही एक मक्खी है और मैंने इसके दांत गाड़ दिए एकदम पत्थर। ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, और ये सब मैंने इकट्ठे करके दाने हैं इसके अंदर। मारना मत उसे। नगाड़ दिया, मारा तो नहीं है, जिंदा है कि नहीं है? जिंदा है अभी। अच्छा ठीक है, मारना मत, दबाना नहीं उसे। नहीं 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 गंदी बात, बच्चे होंगे तभी तो खेलोगे। जाओ चिंता तो नहीं है, टेंशन भी नहीं है। बता डाटा तो उनने किसने तो उन्होंने डाटा तो वो जाने, तुम जानो हम क्या करें। जाना तुमको है। और राज इस समय नहीं बोल रहा है क्योंकि वो अकेले अकेले खाए जा रहा है, फिर इसलिए बात ही नहीं कर रहा है। ओ लड़के बोल दो। और एक तो इनको पूरे दिन के बाद मिला है मोबाइल, अब इनका मोबाइल चला जाता है, इनके पापा लेके जाते हैं शाम को आते हैं तो इनको मिलता है। चलिए मैं भी खाती हूँ चिप्स का पैकेट। और ये मेरा, एक राज का आता है और एक मेरा आता है ना, बता दूंगा इसको। और आज मौसम था बारिश का और ठंड तो है ही है, तो फिर जिस दिन ठंड होती है और या बारिश होती है उस दिन राज को खाने होते हैं पकोड़े। तो मैंने बनाए थे यहाँ पे गोभी गोभी प्याज और आलू के पकोड़े। ये देखिए गोभी का पकोड़ा, आप भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और मैं अब जा रही हूँ, फ्री हो गई हूँ खाना खिला के सारे काम करके। वैसे तो सारे काम नहीं हुए हैं लेकिन खाने पीने का काम निपट गया है। बर्तन वर्तन रह गए हैं वो मैं शाम को धुलूंगी, अभी थोड़ा सिलाई का काम करूंगी। ये मैं अपने फोन में लगा लूं? नहीं प्लीज, सब फोन का अलग आता है बेटा, ये मम्मा के फोन का है, तुम्हारे फोन का मंगवा देंगे ऑनलाइन। अभी क्या है मोबाइल में लेकिन। और अब हम सिलाई करना शुरू कर रहे हैं। तो ये दो शॉले मेरे पास बेकार पड़ी थी जो कि इसे तो मैं डालती थी और इसे भी डाल लेती थी, लेकिन अब ये मेरे काम की नहीं है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी हटा दूं लेकिन आज फाइनली मैं इसे हटाने वाली हूँ। दीदी आपको स्वागत है इस घर में, एकदम अमीर यूट्यूबर के घर में। आज ये सिलाई करने वाला है।
तो मेरी ये मैट हो गई थी बेकार जो इस तरह पड़ी है, और मेरी ये दो शॉले भी बेकार में हो रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों के साइड, ये वाली जो साइड होती है, ये वाली नहीं, ये वाली जो है, ये दोनों तरफ हम सिल लेंगे। यहाँ पे साइड में स्टिच लगा लेंगे। ओके, और राज यहाँ पे चलाएंगे मशीन, क्योंकि वो खाली बैठने वाले हैं नहीं। और मेरे हो रहा था सिर में दर्द, और मैं से नहीं पढ़ पा रहा था धागा, तो मैंने चश्मा अपना निकलवा ऐसा सिल देंगे। और इधर देखिए, मैंने मतलब दोनों साइड में सिल के और इसके अंदर मैट अपनी डाल दी है। अब इसके ऊपर, मैट के ऊपर ही मशीन चलाएंगे, जिससे वो खिसके ना, और फिर आप देखिएगा कितनी अच्छी सी मैट तैयार होती है। इसे अगर आप बनाएं तो बहुत अच्छे से सेट कर लें, क्योंकि वुलन कपड़ा रहता है, थोड़ा सा खिचखाच के बराबर करना पड़ता है इसमें। और मैंने अपना वो लगाया था चश्मा, तो राज भी मेरा धूप वाला चश्मा लगा के बैठा हुआ है सिलाई करने के लिए बच्चे भी ना क्या क्या करते हैं। चला, बस थोड़ा सा बचा है, बस यही लाइन करनी है पूरी, बन जाए। मुझे नहीं पड़ेगी, हाँ राज ने पूरा बनवाया इसको, मशीन चल रही है। और कंप्लीट हो गया काम, मेरी मैट जो है वो अब कुछ इस तरीके से हो गई है, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है। तो मैं बिछाऊंगी ग्रीन वाली तरफ से, मतलब ऊपर के साइड में ही ग्रीन वाला आएगा, ग्रॉस वाला कलर सा लगेगा कि ग्रॉस बिछी हुई है।
और कारपेट टाइप से। अब मैं इसको डालूंगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये मैट बन गई है। मेरी शॉल का भी यूज हो गया और मैट भी जो बेकार हो रही थी हम इस तरीके से भी बिछा सकते हैं। और इसको और मैं बैठी हूँ बाहर, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। शाम का टाइम हो गया है, 4:15 हो रहा होगा। और वीडियो एडिटिंग अभी करी है मैंने पहले के उसकी, और आज वाली जो बनाऊंगी वो कल जाएगी। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तब तक के लिए बाय बाय।